वेलकम टू देहरादून, जो कि उत्तराखंड का एक बहुत ही जाना माना शहर है। और आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ देहरादून की कुछ मज़ेदार खाने की जगहों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे ये देहरादून सीरीज़ की हमारी पहली वीडियो है और इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली है आगे, तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर दें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृष्णा एंड वेलकम टू माई चैनल बनमस्का। तो सबसे पहली जगह जो हम जा रहे हैं वो है देहरादून में काफ़ी फेमस मामा जी के कतलम्बे। वैसे तो देखने में ये करीब करीब छोले भटूरे टाइप्स ही होते हैं, बट इसको बनाने का तरीका काफ़ी अलग होता है। जनरली कैसे भटूरों को आप फुलाते हो, बट कतलम्बे का क्या है, इसमें बनाते वक्त छेद कर देते हैं ताकि ये फुले ना और ये फ्लैट रहे, और इसी की वजह से इसका एक यूनिक टेक्सचर आता है जो कि अंदर से फ्लेकी और क्रिस्पी वाला होता है, पफ जैसा। पंजाबी डिश पनवाल पंजाबी सिंध, ये पकवान है। इसको ये आप स्टोर भी कर सकते हो, ये 10 या 15 दिन बीच ये खराब है, गर्म करके खा सकते हो। इसको सर्व किया जाता है मालू के पत्ते पे, जो कि उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है स्ट्रीट फूड के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है स्ट्रीट पे हर कोई जो चाट वगैरह जो भी सेल कर रहा होता है ये मालू के पत्ते में सर्व किया जाता है, विच इज़ नाइस और इको फ्रेंडली भी है। तो इस प्लेट में दिया जाता है हमें कतलम्बे के साथ गर्मा गर्म पिंडी छोले, जो कि एक ड्राई वाले होते हैं और एक ग्रेवी वाले होते हैं, और इसके साथ इसके ऊपर एक छिड़की जाती है एक लाल सूखी मिर्च, और उसके साथ हमें मिलता है ये नींबू और मिर्ची का अचार, साथ साथ हमें इन्होंने एक छाछ भी दी थी। सो इसका ये एक प्लेट हमें 70 रुपये में मिला, जो कि काफ़ी फिलिंग था। वैसे आप इसका हाफ प्लेट भी ले सकते हो, अगर आप अकेले आ रहे हो खाने में तो 40 रुपये में मिल जाता है। और अब करें टेस्ट की बात, तो ये बिल्कुल वर्थ द हाइप डिश है। ताज़ा बने हुए कतलम्बे के साथ की पिंडी छोले और मिर्ची मिला के खाओ तो बिल्कुल एक्सपीरियंस ही अलग होता है। टेस्ट बहुत ही चटपटा, फ्लेवर जो कि इनके छोले के एकदम इंटैक्ट है, मसाले बिल्कुल एकदम ओवर नहीं है, तीखे नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड मसाले। इसके साथ साथ अब कतलम्बे जब खाते हो ये क्रिस्पी पफ जैसी फीलिंग देता है, और इसके साथ मैंने एक छाछ भी पी थी जो कि काफ़ी रिफ्रेशिंग थी। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पर। तो देखा जाए तो आपको ये जगह ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है देहरादून में। आप किसी को भी पूछ सकते हो कि मामा जी के कतलम्बे की दुकान है कहाँ पे, बट आपके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगी। तो शुरुआत तो हमारी बहुत ही बढ़िया से हुई है, आगे चलते हैं देहरादून की एक और ऐसी जगह जहाँ खाए बिना अगर आप चले गए तो देहरादून आना ही बेकार समझ लो। मैंने सुना है यहाँ काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, तो हम आ गए हैं चेतनपुरी वाला के पास, और ये जो दुकान है ये 50 सालों से चलती आ रही है। हनुमान मंदिर के ठीक बगल में है हनुमान चौक के पास। तो जैसे ही हम पहुंचे इस दुकान पे हमें बैठने की जगह तो बिल्कुल नहीं दिख रही थी, और वहां खड़े हुए जो फ्रेश पूरी और सब्जियों की खुशबू आ रही थी उससे हमारी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मुश्किल से हमें एक सीट मिली और फिर हमने अपनी एक प्लेट मंगा ली। तो इस प्लेट में हमें सर्व की गई थी 4 सब्जियां, जो कि थी आलू छोले, ड्राई आलू जीरा और गंगा फल की सब्जी, जो कि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट थी यहाँ पे, क्योंकि इसका टेस्ट हल्का हल्का सा मीठा था। और साथ में हमें मिली थी बेडमी कचौरी, ये पूरी जैसी ही होती है बट इसका भी बनाने का तरीका कुछ अलग सा होता है। ये पूरी ना बोल के ये कचौरी मानी जाएगी, क्योंकि ये हल्की सी थिक होती है। ये बहुत ही लाजवाब था, एकदम ग्रेनी रवेदार टेक्सचर बोल सकते हो, क्योंकि इसमें सारी दालों का भी यूज़ होता है। अगर आप इस पूरी को ऐसे दबा के देखोगे तो इससे बिल्कुल तेल नहीं आता आपके हाथ में। आई एम श्योर इनके पास कोई अच्छी पुरानी टेक्निक है इस चीज़ के लिए। और इसके साथ साथ आपको रायता या खीर का भी ऑप्शन मिलता है, जिसका एक मिनिमल 20 रुपीज़ चार्ज देना होता है। वैसे मैंने रायता ले लिया था क्योंकि मीठे खाने की पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी। और ये कचौरी सब्जी की प्लेट जो है ये आपको 100 रुपये में मिलती है, जो कि काफ़ी फिलिंग हो जाती है। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो रहा मेरा इस जगह पे बहुत अच्छा रहा। अगर आप देहरादून आते हो तो यहाँ ज़रूर आइएगा। एज वेल यहाँ बहुत सारे टाइप्स के लड्डू भी होते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद हम क्लॉक टावर की तरफ चल दिए, और यहाँ एक चीज़ ट्राई करने के चक्कर में मैं ऑलमोस्ट भीड़ में दबते दबते रह गई। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ आगे, बट उसके पहले मैंने क्लॉक टावर के सामने देखा एक लाइन से मोमोज की गाड़ियाँ लगी थी, और वैसे भी मोमोज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है देहरादून में, सो टेस्ट करना तो बनता है बीइंग अ मोमो लवर। तो सबसे पहली नज़र जो मेरी पड़ी वो थी ये हिमालयन मोमोज के स्टॉल पे, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी। शायद आंटी के मोमोज काफ़ी अच्छे हैं,
तो हमने भी एक प्लेट वेज स्टीम मोमोज की ले ली। तो मोमोज की वैसे मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, बिकॉज देहरादून में मोमोज का कल्चर इतना पॉपुलर है और इतने सारे टाइप्स के मोमोज मिलते हैं यहाँ पे, एक वीडियो में समा जाना इज नॉट पॉसिबल। टेस्ट की अगर बात करें तो बिल्कुल दार्जिलिंग वाले मोमोज का टेस्ट आ गया, मज़ा आ गया और दार्जिलिंग की याद भी आ गई। इनके मोमोज जो थे बिल्कुल सिंपल प्रिपरेशन वाले थे और बहुत ही फ्लेवरफुल फिलिंग थी, और चटनी तो बिल्कुल लाजवाब बोलो, एकदम 10/10 वाली, मज़ा आ गया। और हाँ जी, जो मैं आपको बता रही थी इससे पहले वो ये है कि मोमोज खाने के बाद घूमते हुए गेल और बेकर्स की तरफ ध्यान गया तो यहाँ सारे लोग एक दूसरे पर लटक रहे थे, और ये देख के मुझे बिल्कुल मुंबई लोकल की याद आ गई, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं भी चली गई देखने, तो पता चला ये भीड़ जो थी ये सॉफ्टी आइसक्रीम के लिए थी, तो मैं भला पीछे क्यों हटने वाली थी, और मैं भी इस भीड़ में जूझते हुए फाइनली अपनी एक सॉफ्टी ले आई। काफ़ी परिश्रम के बाद मुझे ये सॉफ्टी मिली है, बिकॉज बहुत भीड़ थी यहाँ पे, ये है गेल और बेकर्स करके, और यहाँ पे सॉफ्टी केक्स और बहुत कुछ मिलता है। सो ये बिल्कुल क्लॉक टावर के साइड में ही है, और सॉफ्टी जो है मैं काफ़ी सालों बाद खा रही हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव सॉफ्टी। एक्चुअली चाइल्डहुड मेमोरीज याद आ जाती है सॉफ्टी देख के। तो ये जो है मैंने वेनीला चॉकलेट सॉफ्टी ली है, ये मुझे 25 रुपीज़ की मिली है। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये स्वॉल्स लगते हैं सॉफ्टी के, सो और मेरी अभी आइसक्रीम पिघल रही है, सो आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस आइसक्रीम। दिस इज फन, इस वेदर में आइसक्रीम, इट्स लाइक टू गुड, मजा आ गया। और अब शाम होने आ गई थी और मैं दिन भर से रुकी थी इस जगह पे आने के लिए, क्योंकि ये जगह जो है 4 बजे के बाद ही प्रॉपर चाट सेल करती है, और यहाँ के अंकल जी बताओ तो बहुत ही स्वीट और हम्बल से हैं। सो हम आ गए हनुमान चौक के पास ये जैन चाट भंडार पे, जो कि 60 साल से चलती आ रही है, और यहाँ लोकल्स के बीच बात करके पता चला कि ये सभी लोग इस जगह को इतना पसंद करते हैं कि हर शाम अपनी हाजिरी देने आ ही जाते हैं। और सबसे पहले मैंने शुरुआत करी पानीपुरी से, एंड ट्रस्ट मी इतनी बढ़िया होती है इनकी पानीपुरी, कोई ज़्यादा फालतू के मसाले नहीं, बस एक सिंपल सा प्लेन बॉयल आलू होता है, पानी होता है एकदम सटल फ्लेवर वाला, कुल हींग का फ्लेवर है इसमें पानी में, एकदम तीखा नहीं, हल्की सी मीठी चटनी होती है, और बहुत ही बैलेंस्ड पानीपुरी, मतलब मैंने ऐसी पानीपुरी बहुत ही कम जगहों पर खाई होगी। It's like burst of flavors. Too good. तो पानीपुरी खा के तो बिल्कुल दिन बन जाता है यहाँ पे। तो अंकल जी की पानीपुरी is like a therapy for me. और फिर मैंने अंकल जी से लगवा ली एक मिक्स चाट, जिसमें पड़ता है दही बल्ला, पापड़ी, पूरी जैसी काफी सारी चीजें, और ये देखने में ही बहुत टेम्पटिंग लगती है। टेस्ट की बाट करूँ तो इट्स अ परफेक्ट चाट, जिसमें हल्की हल्की ठंडी दही होती है, क्रंची पूरी होती है, उसका क्रिस्पीनेस होता है, मीठी चटनी, हरी चटनी और हल्का सा नमक और जीरा पाउडर, और फिर ये भी मालू के पत्ते पे सर्व किया जाता है। उसका फ्लेवर जो उसमें उभर के आता है, ये बिल्कुल 10/10 वाली चाट है। ऐसी चाट तो मैंने पहले कभी भी नहीं खाई थी देहरादून आने से पहले, बट अंकल ने मुझे बता दिया कि चाट इतनी अच्छी भी हो सकती है, सो दिस इज़ लाइक परफेक्ट 10/10 वाली चाट फॉर मी। और बस खाते खाते अंकल जी से बहुत सारे गप्पे भी लगा लिए मैंने। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले देहरादून की वीडियो में, टिल देन स्टे हाई ऑन योर क्रेविंग्स।